तो दोस्तों, आप बाय ट्रेन आए हैं या बस? बाय बस आप हावड़ा ब्रिज से 104 नंबर का बस पकड़ के आप पहले पहुंचिएगा बालीगंज, क्योंकि बालीगंज में ही बाबा साहब यूनिवर्सिटी है। और वहाँ आपको जाने के बाद आपका प्रोसेस हम बाद में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि माइग्रेशन निकालना बहुत ही टफ है। और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद दोस्तों। बालीगंज में ये जो रोड कटा हुआ है, इसमें यूनिवर्सिटी का दो बिल्डिंग है, एक वहाँ एकेडमिक बिल्डिंग है आगे, और यहाँ पे है जो आपका काम होगा माइग्रेशन वाइग्रेशन यहाँ पे। तो देखिए, आइए और पूरा। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी तो पहुँच गए हैं और जमा भी दे दिए हैं, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है बोल रहा है। इतना ज़्यादा रेस्ट्रिकेशन हमको पता नहीं था इस यूनिवर्सिटी में होने वाला है। ये पीछे दिख रहा है बाबा बैरूनगंज, पूरा डिटेल्स बता देंगे थोड़ा कुछ देर में। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अभी बता देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिएगा, और यूनिवर्सिटी से जो एक फॉर्म मिलता है उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, जिसमें कॉलेज का मुहर और सिग्नेचर लगा रहे हैं। और कॉलेज से जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है, जैसे मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, उन सब का जेरोक्स भी ले लीजिएगा। फाइनल मार्कशीट ही देखता है इसे, और चालान की जानकारी वहीं पे मिल जाएगा आपको, इसमें ज़्यादा पैनिक ना हो। एप्लीकेशन एक खुद से लिख के ले जाइएगा, खुद से लिख के मतलब आप खुद जो से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे माइग्रेशन फॉर्म दीजिए, और एक कॉलेज के द्वारा, कॉलेज रिक्वेस्ट करेगा कि इसको माइग्रेशन दिया जाए, जैसे ये दिख रहा है आपको। दोस्तों, वो बिल्डिंग में हम लोग जमा दिए थे, ओरिजिनल यूनिवर्सिटी ये है, ओरिजिनल मीन्स अपार्टमेंट यहाँ पे काम होती है। और ये एयरफोर्स कैंप बढ़िया पे था, हम लोग ढूंढने में क्यों डिस्टर्ब हो रहा था नहीं पता। तो दोस्तों, हम लोग जमा दे दिए, आज का काम समाप्त हुआ। लेकिन उस फॉर्म में लिखा हुआ था कि 10 दिन के लिए आप 500 रुपया चालान काटिएगा, लेकिन हम लोग 500 रुपया चालान काटे तो हम लोग को 20 डेज टाइम दे दिया गया। तो फिर से हम लोग 20 डेज बाद आएंगे और रिसीव करेंगे। रिसीव करने का रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग है, जो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए फिर समझिएगा। दोस्तों, अभी सुबह कितना हो रहा है, 3:45, और हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता घूमने के लिए। और मेरे साथ है ये शर्ट के साथ, लेकिन क्या नाम है, हिबाबी हबीबी, हम लोग हिबाबी नहीं हबीबी। कहाँ जा रहे हम लोग जा रहे हैं हावड़ा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आखिरी बार नहीं, आखिरी बार तो नहीं जाएंगे, आखिरी बार यूनिवर्सिटी के काम से जा रहे हैं, जो काम से साला बहुत तंग किया था यहाँ बैठे। अरे D1 है ये, क्या होता है इसको कहते हैं रिजर्वेशन। हम करने वाले थे पता है रात को, चलो छोड़ दो यार, तुम कहाँ से रिजर्वेशन करेंगे और नहीं तो। तो यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। तो दोस्तों, हम लोग को बारिश में भीगने का मन कर रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। रुपेश आओ, ये रामपुरा स्टेशन है, बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है। इस साला बौखला गया, देखिए। रुको रुको। इतना गंदा गंदा फोटो क्लिक किए इसका हम। बारिश हो रही है और हम लोग मजा ले रहे हैं रामपुरा जंक्शन में। चले, ट्रेन खुल गई। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे बैठे हैं हम लोग ट्रेन में, और अभी दोपहर 12 बज रही है, मतलब लगभग आठ घंटा हो ही गया। और हम लोग बंडेल पहुँचे अभी 10 मिनट में, क्योंकि ट्रेन 1 घंटा लेट है। यहाँ बारिश हो रही है, खूबसूरत जगह ये देखिए। और इस सफ़र में मेरे साथ है रुपेश, हर सफ़र में मौजूद रहता है। और यही शिवरात्रि के दिन हम खरीदे, उससे पहले भी आया था 4-5 दिन पहले। अभी 1 डजन लिए थे तुमका, मैं 60 रुपया लिया था, और ये 1 डजन का 20 रुपया, मतलब हाफ डजन में हम लोग 10 रुपया में देखे कितना सारा मिल गया। मतलब अच्छा, हम ले जाएंगे अभी 1 डजन, आते टाइम हम लेंगे 2 डजन। भाई बड़ी सस्ता है, लाइफ का सबसे लंबा ट्रेन देखे हम कलकत्ता में, देखिए बाप रे इतना लंबा। ओ सॉरी, ये इंजन है, हम सोचे बहुत लंबा ट्रेन है क्या। और कोलकाता आए हुए थे कोलकाता, और ये बारिश, ओफ क्या सीन होने वाला, सोच हम लोग क्या करने वाले, मजा। आँख देखिए हम लोग का, भाई 3 बजे उठे थे, 8 घंटा का जर्नी, 8 घंटा का आने का, अब जाके मेट्रो पकड़ना है, फिर हम लोग को वहाँ जाना है, घूमना है, फिर वापस आना है 8 घंटा।
टोटल कम से कम 18-20 घंटा कोलकाता में काफ़ी फेमस है, क्योंकि अभी तक भारत में एक ही जगह है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ, ब्लॉग बनाया हूँ, जाके आप वो ब्लॉग देख सकते हैं, क्योंकि इससे माइग्रेशन रिलेटेड रहना चाहिए, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ, जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू। स्ट्रगल देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग रोड बीच रोड में दौड़ रहे हैं बंगाल में, तो हम लोग का स्ट्रगल देखो भाई, भीग रहे हैं यहाँ पे हम लोग बस पकड़ने के लिए, देखो। ओ वाओ, दिस इज द व्यू ऑफ कोलकाता। मेट्रो बस कहाँ कहाँ ना चल रही आज, ना ट्रेवल किए 20 घंटा, आज 24 घंटा ट्रेवल करेगा। तो दोस्तों फाइनली 20 दिन बाद हम लोग इस यूनिवर्सिटी में पहुंचे, और हम लोग 1:30 में पहुंच चुके थे, क्योंकि उस दिन हम लोग को कहा गया था कि 2 बजे के बाद आप लोग को माइग्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। तो ठीक है, हम लोग 1:30 बजे तक पहुंच गए थे, बारिश हो रहा था, थोड़ा सा लेट हुआ, मतलब 1:30 बजे तक पहुंच गए थे, लेट हुआ मीन्स नहीं जो पूरा लेट हो गया, हम लोग इससे पहले भी आ सकते थे। तो यहाँ इन लोगों का कहना है कि आप 12 बजे आके आपको वो रिसीविंग जमा देना होगा, फिर आपको 2 बजे के बाद आपको माइग्रेशन दिया जाएगा, इस तरह से इन लोगों का कहना है। और जिस दिन हम लोग जमा देने आए थे उस दिन हम लोग को साफ साफ कहा था कि 2 बजे के बाद आप लोग को माइग्रेशन दिया जाएगा। तो इससे हम लोग क्या सोचे, झारखंड से आए हैं इतना दूर से, कोई तो बहुत दूर दूर से आया, असम से भी आया हुआ था हमारे ग्रुप में, यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को भी वही कहा था कि 2 बजे के बाद ही आप लोग को माइग्रेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों 2 बजे के बाद सब आता है, लेकिन इन लोग का कहना नहीं 12 बजे आइए, 12 बजे के बाद आपको जमा दीजिए हम लोग को रिसीविंग उसके बाद। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर माइग्रेशन लेना चाहते हैं तो 12 बजे ही आके जमा दे दे, ठीक है, लेट ना करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू। इन लोग के हिसाब से वो रूल है, हमको नहीं लग रहा है ऐसा रूल होना चाहिए, टाइम टेबल का कोई इशू नहीं है, अभी पता है 6:00 बज रही है और हम निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, रात को काम होता है यहाँ, तो मेरा लेक्चर सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे, नहीं तो आप भी आके गाली दीजिएगा इन लोगों को। तो, हाँ, लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, लेकिन इन लोग को भी देना चाहिए नॉलेज, हम लोग कहाँ से देंगे बताओ। मतलब इन लोग का कहना ये है कि आप पहले से आपको नॉलेज रहना चाहिए, भले यार नहीं बताएंगे लेकिन आपको नॉलेज रहना चाहिए। चलो उधर चलो। तो बालीगंज है ये जगह, और ये है यूनिवर्सिटी, मैन यूनिवर्सिटी यहीं पे है, और वहाँ पे माइग्रेशन और सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये है मेरा फुल वीडियो, और क्या क्या चाहिए सब कुछ हम बताएंगे आप लोग को, हम लोकेशन दिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी तकलीफ होती है लोगों को। एयरफोर्स कैंप वालीगंज यहीं पे है, और यहाँ से लेफ्ट हम लोग जाएंगे, वहाँ से टोटो पकड़ लेंगे, पहुँच जाएंगे। काफ़ी दिक्कत हुई दोस्तों, खाना नहीं खाए हैं आप देख सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है हम पूरा डिटेल्स बता देंगे आपको, और वीडियो ज़रूर देखिए अन्यथा, और जिसको ज़रूरी है उसको शेयर भी कीजिए अन्यथा, बहुत प्रॉब्लम होगा भाई, सियोरली बता रहे हैं, मजाक फॉर्म में नहीं या कुछ ऐसे नहीं, व्यू बढ़ाने के लिए 100% प्रॉब्लम होगा। वीडियो हम शांत में बैठ के बताएंगे क्या क्या करना है क्या नहीं, डॉक्यूमेंट्स का वीडियो नहीं बनाए ना। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे, सब याद है हमको क्या लिखना है क्या नहीं। भाई भाई कहाँ, कुंडहित में हम पढ़े हैं, कुंडहित दुमका, अब कलकत्ता में शिफ्ट होने का मन है हमको, बहुत जल्दी कलकत्ता में हम शिफ्ट होने चाहते हैं। रुपेश भाई कलकत्ता में शिफ्ट होना, क्या करना है, SSC में आ जाएगा, तो SSC लायक जॉब निकालना होगा, झारखंड PGT में नहीं होगा। तो दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी आप आना चाहते हैं तो बालीगंज मत बोलिएगा, पहाड़ी बोलिएगा, बस वाले को बोलिएगा कि हमको बालीगंज पहाड़ी में छोड़िए, ये है इसका मेन लोकेशन, अन्यथा आप फंस जाइएगा। हम लोग ऑलरेडी आज थोड़ा सा फंस चुके थे, रीज़न कुछ अलग था, और लेना है आपको ये रोड में आपको यूनिवर्सिटी पहुँचेगा जहाँ से गाड़ी सब आ रही है, और अभी हम लोग जा रहे हैं होड़ा, तो इस रोड को फॉलो करेंगे बस के इंतज़ार में। पट्टा मिलने में काफ़ी आसानी होगी, नहीं तो बालीगंज पहाड़ी KMC नॉट TMC, ओके KMC, इसको पहचान के रखिए, बहुत हेल्प होगी, तो पगलाते रहिए। और बस तो आने का नाम ही नहीं है, और कुछ ना, बस काफ़ी है, जितना जानकारी दे दिया बस उसको फॉलो कीजिए ध्यान से, उसको एकदम संग्रहित करके अपना माथा में डालिए, कोई दिक्कत, बस आ गई। द हावड़ा ब्रिज,
फेमस, काफ़ी फेमस द हावड़ा ब्रिज। बहुत थक गए हैं दोस्तों आज, हावड़ा कलकत्ता बहुत बिजी है। हावड़ा ब्रिज हम लोग टहल रहे हैं थोड़ा, आप देखते हैं कहाँ। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी यूनिवर्सिटी जाइएगा आप टाइम लेके जाइएगा, जब आप जमा देने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं 12 बजे से पहले, यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले 11 बजे, क्योंकि 2 बजे के बाद वो रिसीव जमा नहीं लेते हैं जिस दिन आप जमा देने जाइएगा, क्योंकि चालान काटना होता है उसमें भी आपका टाइम जाएगा और ये लोग का थोड़ा प्रोसेस रहता है वो। अब जब आप रिसीविंग लेके जाइएगा आप माइग्रेशन विड्रॉ करने, माइग्रेशन निकालने के लिए, तब कोशिश कीजिएगा कि आप 12 साढ़े 12 तक